प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के द्वितीय अध्याय स्वर्ण काकह का तीसरा पैराग्राफ, तीसरे अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि कैसे एक बालिका चावलों की रक्षा कर रही थी माता के आदेश से, और एक सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला कौवा आकर उन्हें जैसे ही खाना प्रारंभ करता है, लड़की उसे रोकती है। वह कहता है, मैं चावलों का मूल्य दूंगा, आप सूर्य उदय से पहले पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना। तो आगे देखें, कहता है कि सूर्योदयात, सूर्य उदय से पूर्व में पहले ही, सूर्य उदयात, उदय से पूर्व में पहले ही सा वह कन्या तत्रोपास्थिता वहां उपस्थित हो गई। सूर्य उदय से पूर्वमेव पूर्व ही सा वह कन्या तत्र उपस्थिता वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखा सा उसने च, और आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित संजाता रह गई। आश्चर्यचकित जो है वह हो गई, क्यों कि यतत्र स्वर्णमयम, वहां पर स्वर्ण सोने मय से बना हुआ, स्वर्णमयम सोने का बना हुआ प्रसादो महल वर्तते था। वह लड़की वहां कौवे ने जहां पर बुलाया था वहां गई, और वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर सा उसने जब देखा तो आश्चर्यचकित संजाता, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित रह गई, हैरान रह गई कि यतत्र वहां पर स्वर्णमय सोने का प्रसादो भवन वर्तते था। यदा जब काकह कौवा शयित्वा शोकर के प्रबुद्धस्तदा उठा, प्रबुद्ध हुआ, जागा, तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात, सोने की गवाक्ष खिड़की से, यह जो गवाक्ष है, खिड़की शब्द है, यह गो गौ की अक्ष आंख, गो की आंख की तरह पहले एक झरोखा होता था, आज खिड़कियां बनी, पहले वो गोल होते थे। यह गौ की आंख गवाक्ष शब्द वहां से बनकर आया है, इसीलिए शब्दों में हमारी प्राचीन संस्कृति की हमें झलक देखने को मिलती है। तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की से कथितम कहा, हहो अरे बाले लड़की, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूं। तत् तो कथय कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमय मुत या उतोता, तो स्वर्णमयम सोने की, रजतमय मुत चांदी की, वा या ताम्रमयम तांबे की। भाई मैं तुम्हारे लिए सोपानम जो सीढ़ी उतार रहा हूं, तुम कहिए सोने की उतारूं या चांदी की उतारूं या तांबे की। कन्या लड़की प्रावोचत बोली, अहम मैं निर्धन मातुर दुहिता, निर्धन गरीब माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूं, ताम्र सोपाने नैव, तांबे की सोपान सीढ़ी से एव ही आगमिष्यामि, आऊंगी। लड़की देखा जाए तो अपनी औकात जानती थी, उसी के अनुरूप उसने आचरण किया, और यही कौवा देखना चाहता था। परम परंतु स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम आससाद, स्वर्ण भवन सोने के भवन में आससाद जो है पहुंचे। कहा उसने तांबे की से आ जाऊंगी जी, क्योंकि वह निर्धन थी। लेकिन कौवे ने प्रश्न होकर के सोने की सीढ़ी से उसे ऊपर बुलाया। अग्रिम पैराग्राफ चतुर्थ में कहता है कि चिर कालम, जैसे वो ऊपर चली गई तो चिर लंबे कालम समय, चिर कालम बहुत देर तक भवने भवन में चित्र विचित्र भांति भांति की वस्तुनी वस्तुओं को सज्जितानी सजी हुई दृष्टवा देख करके सा वह लड़की विस्मयम गता, हैरान हो गई। श्रांताम ताम उसे, श्रांताम थकी हुई विलोक्य देख करके काकह कौवा प्राह बोला, पूर्वम पहले लघु प्रातराश,
लघु प्रातराश किसे कहते हैं? नास्ते को। क्रियताम कर लो, वद बोलो कि त्वम तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजने भोजन करिष्यसि करोगी किम वा या रजत स्थाल्याम उत चांदी की थाली में उत या ताम्रमयम स्थाल्याम ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में। लघु प्रातराश क्या होता है? नाश्ता। कि तुम जो है नाश्ता जो है क्रियताम करोगी वद तो बोलो स्वर्ण स्थाल्याम भोजने करिष्यसि सोने की थाली में भोजन करोगी वा या रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में या फिर ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में। बालिका व्यजहार, बालिका ने कहा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कहीं पर प्राह है कहीं पर व्यजहार है, तो यह सभी क्या है? सिनोनियम्स मिल रहे हैं कि उसने कहा वह बोला, इनका ध्यान रखना। ताम्र स्थाल्यामेव अहम अहम मैं ताम्र स्थाल्यामेव तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना मैं निर्धन हूं ना, अहम निर्धना मैं निर्धन हूं, ताम्र स्थाल्यामेव भोजनम करिष्यामि तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। और देखिए तदा सा तब सा वह कन्या आश्चर्यचकिता हैरान रह गई संजाता रह गई। आश्चर्यचकिता संजाता तदा तब सा वह लड़की कन्या साश्चर्यचकिता संजाता हैरान रह गई यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौए ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम भोजन परिवेशितम परोसा। नैतादृक स्वादु भोजनम नैतादृक न ऐसा स्वादु स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका खादितवती बालिका ने नहीं खाया था। एतादृक ऐसा स्वादु स्वादिष्ट भोजनम अद्यावधि आज तक बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था। काको ब्रूते कौआ बोला कि बालिके अहम इच्छामि मैं चाहता हूं यत त्वम कि तुम सर्वदा सदा चात्रैव अत्रैव यही तिष्ठम रहो परम परंतु तब माता तुम्हारी माता वर्तते है चैकाकिनी एकांकिनी अकेली एकाकिनी अकेली है। तो क्या कहा कि अहम इच्छा में मैं तो चाहता हूं यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठे सदा यही रहो परंतु तुम्हारी जो माता है तब माता वर्तते चैकाकिनी अकेली है। त्वम तुम शीघ्रमेव शीघ्रमेव शीघ्रता पूर्वक स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ। तो आप समझे बुलाया ऊपर किससे? सीढ़ी से। तीन तरह की ऑप्शन उसने रखे सोना चांदी और ताम्र, लेकिन लड़की ने अपने वस्तु स्थिति को दर्शाते हुए कहा कि मैं निर्धन हूं मैं तो तांबे से आऊंगी तांबे की थाली से भोजन करूंगी, परंतु हर जगह उसे सोने की ही वस्तुएं मिली। प्रिय विद्यार्थियों हमारे जो अग्रिम गद्यांश हैं वह हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि 8-9 मिनट का जो हमारा वीडियो है यह आपको सहजता से अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। तो अग्रिम अंक में आप फिर अग्रिम अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।